वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड मिलती रहेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सो अवर टुडेज टॉपिक इज वुड। अभी देखिए, आप समझ सकते हैं कि बोलने में वुड का यूज कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आपने सुना होगा लैंग्वेज में वुड के सो मेनी यूजेस है, तो आज हम ये वुड के जो यूजेस है उसको डीपली समझते हैं कि वुड आता है, वुड के साथ बी आता है, हैव आता है, हैव बीन आता है, व्हाट इज द प्रॉपर यूज ऑफ इट। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वुड के जो डिफरेंट टाइप के यूजेस है वो कहाँ पे करने हैं और इससे आपको ये जो वुड के सेंटेंसेस है वो बनाने में आसानी होगी। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे मैंने देखिए वुड लिखा है, तो वुड कहाँ पे यूज होता है बोलने के लिए? जब भी सेंटेंस में गा, गी और गे ऐसे वर्ड्स आएंगे। जनरली आपने देखा होगा कि गा, गी, गे मीन्स ये फ्यूचर से बिलोंग करता है कि मैं वहां जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं लिखूंगी, मैं खाऊंगी पीऊंगी। ये जो वर्ड्स है वो फ्यूचर से बिलोंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो विल भी यहाँ पे चलता है, तो यहाँ पे वुड का यूज हमें एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल भी हम ले सकते हैं। विल का जो पास्ट फॉर्म है मतलब सेंटेंस ये फ्यूचर से बिलोंग करता है पर उसका जो कनेक्शन है वो पास्ट से होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टीचर बोले हम पिकनिक जाएंगे, मतलब टीचर बोले, ये कब बोले? वो पास्ट में बोले, बट उसका जो कनेक्शन है वो फ्यूचर से भी बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप ऐसे मूवमेंट पे आप वुड यूज कर सकते हैं विद द प्लेस ऑफ विल। देन उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वुड यूज करना होता है, और इस सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। आफ्टर दैट वी कैन यूज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज वुड बी। तो ये जो वुड है उसके साथ अभी बी आया है, तो देखिए यहाँ पे रहा होगा मतलब वो पढ़ाई कर रहा होगा, वो मैच खेल रहा होगा, ऐसे सिचुएशन में आपको वुड के साथ बी का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड बी, उसके बाद आपको यूज करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे कि हम अभी आईएनजी भी बोलते हैं। वर्ब को आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ये जो एक्शन है वो फ्यूचर में चल रही होगी, इसलिए आपको ये एक्शन चल कंटिन्यूस एक्शन है, इसलिए आपको वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाना है और उसके पहले आपको बी भी यूज करना है वुड के बाद। ओके, देन वुड हैव, चुका होता, मतलब ये अगर ना होता तो मैं ये काम कर चुका होता। ओके, तो यहाँ पे हैव आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो एक्शन है वो हो चुकी हुई है, तो इसलिए आपको हैव के बाद वी थ्री का भी यूज करना है। उसके बाद वुड हैव बीन, हो गया होता, मतलब ये अगर ना होता तो मेरा ये काम हो चुका होता, हो गया होता। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद वुड हैव बीन लगाना है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं आएगी, उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये तो मैंने रैंडमली आपको एज अ इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ पे मैंने बताया है कि वुड के साथ कौन कौन से जो वर्ब है वो ऐड होते हैं और किसी कौन से सेंटेंस में आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, ये तो हमने एज अ इंट्रोडक्शन लिया। चलिए इसको और डीपली समझते, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए है, तो इन सबसे रिलेटेड ये एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले वुड का यूज हमें कैसे करना है, कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मुझे लगा कि वो मेरी मदद करेंगे। मुझे लगा मतलब ये कुछ, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट से बिलोंग करता है कि वो मेरी मदद करेंगे इन फ्यूचर। सो आई थॉट दैट
हेल्प मी, मतलब ये सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि आपको कौन से सिचुएशन में ये वुड यूज करना है, जबकि किसी एक इंसिडेंट का जो संबंध है वो पास से है और उसके आधे सेंटेंस का वो जो एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाली है. एट दैट मोमेंट यू हैव टू यूज वुड. ओके, नेक्स्ट इज, टीचर बोले कि हम पिकनिक जाएंगे. टीचर सेड दैट वी वुड गो टू ट्री. ओके, नेक्स्ट इज वुड बी. अभी मैंने बताया कि वुड बी का जो यूज है रहा होगा, रहे होगे, मतलब ये जो एक्शन है वो फ्यूचर में चल रही होगी. तो यहाँ पे देखिए कि वह बाजार जा रही होगी. शी वुड बी गोइंग टू मार्केट. अभी ऐसी सिचुएशन है कि जो पास फ्यूचर में हो रही होंगी, ऐसी सिचुएशन है कि जो फ्यूचर में हो रही होगी, एट दैट टाइम वुड के बाद आपको बी का यूज करना है और ये जो वर्ब है उसको आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है. नेक्स्ट इज, वह खेल रहे होंगे, दे वुड बी प्लेइंग. ओके, नेक्स्ट इज वुड के बाद आएगा हैव. अभी हैव के लिए चुका होता, चुका होगा. ओके, सो मैं अपना सपना पूरा कर चुकी होती, मतलब ऐसे ही हमारे लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट है कि कुछ कामों की वजह से आपका जो कोई काम है वो नहीं होता हो रहा होगा. तो हम क्या सोचते हैं, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर चुका होता, कर चुकी होती. ओके, सो आई वुड हैव कंप्लीटेड माय ड्रीम. मैं अपना सपना पूरा कर चुकी होती. आई वुड हैव कंप्लीटेड माय ड्रीम. कंप्लीटेड मतलब यहाँ पे वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है वुड हैव के बाद. नेक्स्ट इज, आप अपना घर बना चुके होते. यू वुड हैव बिल्ड योर हाउस. नेक्स्ट आता है वुड हैव बीन. अभी वुड हैव बीन के लिए मैंने बताया कि हो गया, होता. यहाँ पे कोई भी एक्शन हमें नहीं दिखाई गई है. सो मैं कामयाब हो गया होता. आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल. वह डॉक्टर होता, अगर वो स्टडी करता वह आज वो डॉक्टर होता. सो ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर. तो देखिए वुड के ये जो सो मेनी यूजेस है उसको यूज करके आप ऐसे ही डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको अपने रिलेटिव दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर दी वॉचिंग.